तो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड में ऑप्टिक्स हम आपको आज फिर एक बार पढ़ाते हैं। तो लास्ट टर्म पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल पॉइंट या मुख्य बिंदु के गुण, प्रधान बिंदुओं के गुण पढ़ लिए थे। अब हम बताते हैं थिक लेंस या रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस या मोटे लेंस से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस रिफ्रैक्शन थ्रू या मोटे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, मोटे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। तो कोई सा ही टॉपिक का नाम मान सकते हैं। तो हम अब मोटे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र या मोटे लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे। तो थिक लेंस मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। थिक लेंस में मैंने बताया कि लेंस निकाय के तुल्य होता है। किसको होता है? लेंस का सिस्टम है ना, सिस्टम के तुल्य होता है। थिक लेंस किसके तुल्य होता है? लेंस सिस्टम के तुल्य होता है। लेंस सिस्टम मैंने पढ़ा दिया आपको, दो या दो से मिलकर के एक लेंस सिस्टम बनता है। तो लेंस सिस्टम में क्या होता है कि हम जैसे थिक लेंस ही है या लेंस सिस्टम है, उसके बारे में फिर एक बार मैंने बताया तो है, फिर मैं आइडिया दे देता हूँ। ये हमारे पास, ये हम इसको थिक लेंस मानते हैं। ये क्या है? एक मोटा लेंस है। ये इस मोटे लेंस की मुख्य अक्ष है। तो मोटे लेंस में हमने एक जनरल परिभाषा ये मानी थी कि जो इसकी जो मोटाई है, ये फोकल डिस्टेंस इस लेंस की इसकी तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। पतले लेंस में मोटाई नगण्य होती है। तो इसमें दो सरफेस होते हैं मोटे लेंस में। एक सरफेस, ये सरफेस नंबर वन इधर है और सरफेस नंबर दो ये है। और ये एक मीडियम का बना होता है। मान लो ऐसे ऐसे लेंस को पूरा बनाए तो ये इस तरह से लेंस हो गया। ये यहाँ लेंस कंप्लीट करें तो ऐसे लेंस हो। तो इसमें खासियत क्या है कि ये मान लीजिए हमारे पास एक लेंस पर एक किरण इधर माध्यम नंबर वन म्यू वन माध्यम है और ये लेंस का माध्यम है, ये म्यू टू माध्यम है। और इस लेंस से निकल करके ये किरण वैसे तो हवा में जाती है तो ये म्यू थ्री माध्यम है। म्यू थ्री जनरली म्यू वन के इक्वल है। क्या होता है? ये म्यू वन के इक्वल होता है। तो इसका मोटे लेंस में या लेंस निकाय में एक से ज्यादा बार अपवर्तन होता है। पहली बार अपवर्तन यहाँ हुआ तो ये किरण इस तरफ गई, और लेंस नहीं होता तो ये किरण जाती इस तरफ जाती ना सीधी, और ये यहाँ से h1 दूरी पर टकराता है आकर के। ये कितनी दूरी पर टकराती है किरण? h1 दूरी पर टकराती है, h1 दूरी ऊंचाई पर। और यहाँ पर आते आते इसकी ऊंचाई h2 रह जाती है। अगर देखिए कि ये दूसरा वो भी नहीं होता, सतह नहीं होती तो ये लेंस कहाँ, किरण किधर जाती? सीधी जाती, सीधी जाती, ये इससे यहाँ कहीं मिल जाती। f2 डैश मानते हैं हम इसको। चूंकि लेंस है
ये किरण इस तरफ जाएगी, ये F2 तक जाएगी, ये बिंदु O1 होता है, ये O2 होता है, और अब हम इसको ये B पॉइंट पे टकराती है, कहाँ टकराती है, ये पॉइंट B है, और PF2 को हम पीछे बढ़ाएं तो ये हमने बताया हुआ है आपको, ये यहाँ पर H1 पॉइंट, और H1 से लंब डालते हैं तो ये P1 प्रिंसिपल या मुख्य बिंदु होता है। तो इस तरह ये था। तो अब हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहां होता है, एक बार यहां होता है। तो लेंस फॉर्मूले में या लेंस सिस्टम में हम इसको ऐसा मानते हैं, देखिए जैसे ये एक सतह है, ये हम मानते हैं एक ही सतह है, एक सतह, इधर माध्यम म्यू वन माध्यम है या हवा माध्यम है, और इधर लेंस का माध्यम है म्यू टू, और ये बिखरा हुआ है। लेंस का माध्यम क्या होता है, ये पूरा इधर दूसरी तरफ बिखरा हुआ है, लेंस की किरण इधर से आती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर के हम दूसरी तरफ का माध्यम ही नहीं मान रहे, तो ये पॉइंट हमने इसको माना था पी पॉइंट, मान लिया था ये पी पॉइंट माना था, ये पी पॉइंट पर आती है और पी से सीधा टकरा करके कहाँ जाएगी, एफ टू तक जाएगी, कहाँ तक जा रही है ये, एफ टू तक जा रही है पहली बार, दूसरा हमने सरफेस है ही नहीं, नंबर वन सरफेस है। तो ये ओ वन और ये एफ टू। अब क्या होता है, हम दूसरा सरफेस भी मानते हैं, हम ये कहते हैं कि ये मान लीजिए इधर से जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब है, वो यू कहां पर स्थित है, इनफाइनाइट पर स्थित है, तभी तो समानांतर किरण आ रही है, और ये O1F2 डैश क्या हो गया, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया, V1 हो गया। तो अब हम इस स्थिति में लेंस फॉर्मूला लगाएं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए U1 म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हम इसकी सरफेस की त्रिज्या आर वन मान लेते हैं, इस सरफेस की, तो ये आर वन हो गया। तो इस स्थिति में हम ये लेंस फॉर्मूला, अब यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन यू बराबर तो क्या हो गया, देखिए ये तो यू है, यू बराबर तो अनंत हो गया, और वी टू क्या हो गया, यू वन पहले सरफेस के लिए हम इसको वन वन मान लेते हैं, वी वन क्या हो गया, ओ वन एफ टू डैश और पहला माध्यम हवा मान लेते हैं और दूसरा माध्यम म्यू माध्यम मान लेते हैं जिसका बदनाम। तो अगर हम ये फॉर्मूला इसमें लगाएं तो एक मिनट, ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला तो थोड़ा सा इस तरह से है, म्यू अपॉन वी, मैंने लेंस फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, मैं गलत लिख दिया है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। ये लेंस का फॉर्मूला है जो हमने आपको पढ़ाया भी है। तो अब मैं इसमें लिखता हूँ म्यू टू की जगह तो म्यू लिख देता हूँ और वी की जगह क्या लिख देता हूँ, वी ये वी वन है, ये यू वन है, ओ वन एफ टू डैश, O1 F2 डैश
माइनस ये म्यू वन की जगह वन लिखूं, म्यू वन की जगह वन लिखूं, और ये अनंत है, ये यू वन कितना है, समानांतर किरण है, तो यू वन अनंत है, बराबर म्यू माइनस वन अपॉन आर वन, या आर कुछ भी लिख सकते हैं कि हम दोनों सतहों की त्रिज्या एक आर के बराबर मानते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए म्यू अपॉन ओ वन एफ टू डैश इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर, या ओ हमें ऐसे लिख सकते हैं ओ वन एफ टू डैश बराबर म्यू अपॉन म्यू माइनस वन इंटू आर, और फॉर्म इसको हम नंबर वन ले देते हैं। तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला सतह वन से अपवर्तन पर है, ये कौन सी सतह थी, सतह एक से अपवर्तन की स्थिति। अब हम दूसरी सतह पर आ जाते हैं। देखिए अब हमने मान लिया ये दूसरी सतह यहां पर स्थित है, तो अब दूसरी सतह के अपवर्तन के लिए हम क्या मानेंगे, जो पहली सतह ने जो यहां पर इमेज बना दी, ये दूसरी सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। दूसरी सतह के लिए हम ऐसा लिखेंगे, दूसरी सतह सेकंड सरफेस के लिए एफ टू डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वो एफ टू डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या बिंब हो जाएगा। वैसे तो क्या है, पहली सतह के लिए एफ टू डैश प्रतिबिंब है, दूसरी सतह के लिए, और पहली सतह के लिए क्या है, एफ टू डैश प्रतिबिंब है या इमेज है, लेकिन दूसरी सतह के लिए तो हम ऐसा माने कि ये यहां पर वो रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है, और दूसरी सतह, इसको फिगर को ऐसे मैं बनाता हूं, ये मुख्य अक्ष वही है। अब ये सिर्फ हम दूसरी सतह को देखते हैं, ये दूसरी सतह है, यहां पर F2 डैश पर क्या रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है, और इससे ये किरण इसके ऊपर आपतित है। तो इस पे आएगी ये आकर के, और ये F2 ये जगह है, ये F2 डैश है, और F2 ये इसका प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस तरफ ही यूं मान के चलते हैं, ये क्या काल्पनिक है, ये बाद में ये रियल हो जाता है। तो ये बिंदु O2 है यहाँ पर, ये स्थिति है दूसरी सतह के अपवर्तन के लिए F2 डैश ऑब्जेक्ट या बिंब है, और F2 प्रतिबिंब है। तो ये दूसरी सतह के लिए हमने इस तरह फॉर्मूला बना लिया। तो इस सतह के लिए देखिए, अब हम ये वाला पहली सतह हो गई है, क्योंकि यहां से तो म्यू टू बराबर तो क्या हो गया, म्यू हो गया, और क्या हो गया, म्यू टू बराबर तो म्यू हो गया, और म्यू वन बराबर वन हो गया। एक मिनट अब देखिए किरण इधर से जा रही है, तो ये पहला मीडियम ये हो गया, और दूसरा मीडियम ये हो गया। तो पहले मीडियम में म्यू वन बराबर तो हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, और म्यू टू बराबर म्यू लिखेंगे, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये v हो गई, ये u हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी
वी टू हो गई दूसरी सतह के अपवर्तन के लिए। तो हम जो लेंस फार्मूला है वो ये म्यू अपॉन म्यू टू माइ अपॉन वी और माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये लेंस फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम फिर यूज लें, तो यहां पर देखिए यू तो क्या है, यू बराबर ओ टू एफ टू डैश, वी बराबर ओ टू एफ टू और म्यू वन बराबर म्यू म्यू वन बराबर म्यू एंड म्यू टू, ये गलत दिखा था हमने, म्यू वन बराबर म्यू और म्यू टू बराबर वन, म्यू वन बराबर म्यू और म्यू टू बराबर वन। तो हम इसमें यहां रखते हैं तो ये क्या जाएगा, म्यू टू बराबर तो वन और v की जगह ओ टू एफ टू माइनस म्यू वन की जगह म्यू और यू की जगह ओ टू एफ टू डैश इक्वल टू वन माइनस म्यू अपॉन आर। तो ये मेरे पास सेकेंड सतह से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं नंबर टू इक्वेशन मान लेता हूं। ये इक्वेशन हो गई टू नंबर इक्वेशन। अब मैं दो ट्रायंगल ट्रायंगल कौन कौन से, इस फिगर में आ जाइए, इस ओरिजिनल फिगर में। तो इस ओरिजिनल फिगर को चलो आज हम यहीं तक ही करते हैं, कल इसके बाद कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।